आज हम बनाएंगे करेले का मसालेदार चटपटा अचार। करेला सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी हम सब्जी बनाएं या जूस या फिर अचार, करेले को हम कैसे भी खाएं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज हम ये अचार बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से अचार बनाएंगे तो अचार कड़वा भी नहीं लगेगा और सालों साल तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, इस अचार को धूप में भी नहीं रखना पड़ेगा और इसको बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंचू किचन में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 किलो करेले। इनको काटने से पहले भी मैंने एक बार अच्छे से धोया है और काटने के बाद भी इनको 3 बार नॉर्मल पानी से और 1 बार गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक डालकर अच्छे से धोया है। गुनगुने पानी में नमक डालकर करेले को ज़रूर धोना है। इससे होगा क्या कि जो ये करेले के छिलके उभरे हुए हैं ये अंदर तक अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और अचार भी लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। मैंने इनको धोने के बाद पंखे की हवा में 2 घंटे के लिए सुखाया है। आप इनको धूप में भी सुखा सकते हैं 1/2 घंटे के लिए। आप इनको चाहे तो धूप में सुखाएं या फिर पंखे की हवा में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इनके ऊपर पानी की 1 बूंद भी नहीं होनी चाहिए। यदि इनके ऊपर हल्का सा भी पानी लगा होगा तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और एक बात का ध्यान और रखना है, करेले को ज़्यादा भी नहीं सुखाना है। यदि इनको ज़्यादा सुखा देंगे तो करेले छिलके के जैसे हो जाएंगे और यदि करेले छिलके के जैसे हो जाएंगे तो अचार खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इनको गोल गोल काटा है, आप अपने हिसाब से इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं। इनके जो पके हुए बीज थे उनको निकाल दिया और जो इनके कच्चे बीज हैं उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और करेले को मैंने छीला नहीं है, छिलके के साथ ही ये अचार बनाएंगे। अचार डालने का ये पहला स्टेप है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार सालों साल चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और अब कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये अचार ज़्यादा अच्छा बनेगा। आपके पास यदि सरसों का तेल नहीं है तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे ये करेले जो हमने पंखे की हवा में सुखाए हैं। अब इनको चम्मच से थोड़ा चला देंगे ताकि सभी करेलों पर तेल अच्छे से लग जाए। तेल सारे करेलों पर अच्छे से लग गया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। आप ये करेले का अचार डालने की पूरी वीडियो देखना ताकि आपका अचार भी सालों साल चले, ख़राब नहीं हो। और लास्ट में हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसको आप अचार में डालेंगे तो अचार 1 साल या 5 साल तो क्या सालों साल तक भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये करेले का अचार बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। आप इसको ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन इसको बीच बीच में चम्मच से चलाते ज़रूर रहना है, नहीं तो करेले जल सकते हैं। और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 5-6 मिनट हो गए करेले को पकते हुए, अब इसको चम्मच से थोड़ा चला देंगे। इनको बीच बीच में भी हमने चम्मच से चलाया था, इनको हमने 90% पकाया है, यानी कि ये अच्छे से पक गए। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, करेले अच्छे से पक गए। आप इस अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। आप इसका अचार अभी भी बना सकते हैं, लेकिन यदि इस अचार को आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसको पंखे की हवा में दोबारा से सुखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको ढककर पकाया है, इसलिए इसमें पकाते टाइम हल्का सा मॉइस्चर आ गया। आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। अब इसको बड़े बर्तन में डाल देंगे और अब इनको पंखे की हवा में सुखा देंगे। और अब इसी कढ़ाई में डालेंगे 2 कटोरी सरसों का तेल। ये वजन में 300 ml है। आप तेल अचार में बिना गरम किए भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल को गरम करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो सरसों के तेल में हल्की सी स्मेल आती है वो भी नहीं रहेगी और अचार भी लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया,
अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और अब अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने अभी गैस को जला नहीं रखा है। जब सारा मसाला पैन में डाल देंगे उसके बाद ही गैस को जलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच सौंफ, ये वजन में 20 ग्राम है। और 4 चम्मच ही डालेंगे राई, ये भी वजन में 20 ग्राम है। राई इस अचार में ज़रूर डालनी है क्योंकि राई खट्टी होती है, तो करेले के अचार में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 3 चम्मच डालेंगे पीली सरसों, ये वजन में 15 ग्राम है। आपके पास पीली सरसों नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काली सरसों भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1 चम्मच ही डालेंगे साबुत धनिया और 1/2 चम्मच डालेंगे मेथी। अब गैस को जला देंगे और इनको भून लेंगे। आप मसालों को अचार में बिना भूने भी डाल सकते हैं, लेकिन मसालों को भूनकर अचार में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मसालों को भूनते हैं तो उनकी सारी नमी ख़त्म हो जाएगी और मसालों में नमी नहीं रहेगी तो अचार भी लंबे टाइम तक चलता है। क्योंकि अचार में हल्की सी भी नमी होगी तो अचार में फंगस लग सकती है, यानी कि अचार ख़राब हो सकता है। आप मसालों को भूनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप इनको धूप में 1 घंटा के लिए रखेंगे तो भी इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी। मसाला 2-2.5 मिनट में ही अच्छे से भून गया। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मसाला ठंडा हो गया, अब इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मसाले को हमने दरदरा पीसा है, इसको दरदरा ही पीसना है। इस तरह का मसाला ही अचार में अच्छा लगेगा, इसलिए इसको बारीक नहीं पीसना है। अब ये तेल भी ठंडा हो गया, हम कढ़ाई में ही अचार को मिक्स करेंगे। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं अचार को मिक्स करने के लिए। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग, अचार में हींग डालेंगे तो अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, हमने अचार में हल्दी पहले भी डाली है करेले को पकाते टाइम। और 1.5 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे ये अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालना, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये मिर्च तीखी नहीं होती, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 चम्मच डालेंगे काला नमक, काला नमक डालने से भी अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये काला नमक भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालना, नहीं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। और 1 चम्मच ही डालेंगे नॉर्मल वाला नमक, नमक हमने पहले भी डाला है तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच डालेंगे कलौंजी, अब इनको अच्छे से मिला देंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, अब इसमें डाल देंगे ये करेले। हमने करेले को पकाने के बाद 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में सुखाया है। ये देखिए, इनमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया। अब इसका अचार बनाएंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब इनको इसमें डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे ये मसाला जो हमने मिक्सी में पीसा है, सारा ही डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। आप इस अचार को जिस डब्बे में डालेंगे वो कांच या चीनी मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और डब्बा भी बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। यदि डब्बा साफ़ और सूखा नहीं होगा तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अचार को खाने के लिए चम्मच से जब डब्बे में से निकालेंगे तो वो चम्मच भी बिल्कुल साफ़ और सूखी होनी चाहिए। यदि चम्मच भी साफ़ और सूखी नहीं होगी तो भी अचार में फंगस लग सकती है, यानी कि अचार ख़राब हो सकता है। आप अचार बनाते टाइम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार 1 साल या 5 साल तो क्या सालों साल तक भी ख़राब नहीं होगा। अचार अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी विनेगर यानी कि सिरका, ये वजन में 100 ml है। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। विनेगर प्रिजर्वेटिव होता है, इसे अचार सालों साल तक भी ख़राब नहीं होता। मैंने वाइट सिरका डाला है, आप जामुन का सिरका भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप करेले का अचार बनाएंगे तो 100% आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपका अचार ख़राब हो जाता है तो हम आपको एक ऐसी चीज़ और बताएंगे जिसको आप अचार में डालेंगे
तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। सिरका भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। मैं जिस डब्बे में ये अचार डाल रही हूँ वो कांच का है। मैंने इसको गर्म पानी से धोकर अच्छे से सुखाया है और जो मैंने अचार में ये तेल डाला है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने ज़्यादा अचार बनाया है तो अचार तेल में डूब जाना चाहिए इस तरह से। मैं इस अचार को धूप में नहीं रखूँगी, आप इसको धूप में रख सकते हैं, लेकिन डब्बे में अचार डालने के बाद 6-7 दिन के लिए डब्बे पर ढक्कन नहीं लगाना है, कॉटन का कपड़ा बांध कर ही रखना है। यदि हम डब्बे में अचार डालते ही ढक्कन लगा देंगे तो जब ये मसाला पकेगा तो इसकी भाप बनेगी और डब्बे में से ये निकल नहीं पाएगी, और यदि भाप डब्बे में से निकल नहीं पाएगी तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। ये अचार तैयार है, आप इसको अभी भी खा सकते हैं, लेकिन एक दिन के बाद इसका मसाला अच्छे से पक जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप अचार में क्या डाल सकते हैं जिससे आपका अचार सालों साल तक भी ख़राब नहीं हो। आप अचार में आधा चम्मच सोडियम बेंजोइट डाल सकते हैं, ये प्रिजर्वेटिव है, इससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये परचून की दुकान में आराम से मिल जाता है। आपको ये करेले का अचार बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।